हेलो फ्रेंड्स आई एम मेधावी वेलकम टू आर चैनल मेधावी लर्निंग तो इतनी गर्मी हो रही है यू नो समर का सीजन है तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना डीसी मोटर का यूज करके एक मिनी फैन बना दूँ आपके लिए कुछ नहीं करेंगे हम डीसी मोटर लेंगे और एक फैन ले लेंगे कुछ वायर्स और स्विच की जरूरत पड़ेगी बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है और आई होप आपको मज़ा आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैटरी कनेक्टर बैटरी फ़ैन स्विच क्लिप्स डीसी मोटर और वायर्स की ज़रूरत पड़ेंगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे जो डीसी मोटर है आप देख सकते ये डीसी मोटर है ये वायर वाला डीसी मोटर है ठीक है तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें फ़ैन मूव कराना है ये वायर्स हैं ओके तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले तो आप वायर को कट कर लीजिए मैंने यहाँ वायरस को कट कर लिया है क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट थी और मोस्टली ये शॉर्ट लेंथ का मिलता है तो हमें थोड़ा सा इसको वायर लगा के थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ यहाँ जॉइन कर देंगे हमेशा ध्यान रखिए रेड को ब्लैक के साथ जॉइन मत कीजिए क्योंकि जो रेड कलर होता है ये हमारा प्लस होता है पॉजिटिव वायर होता है ठीक है और जो हमारा ब्लैक कलर होता है ये माइनस होता है और हमारा नेगेटिव वायर होता है ठीक है तो इसको अच्छे से हम क्या करेंगे दोनों को अटैच कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट थी और हमें लेंथ बड़ा बड़ा करना है इसका है ना तो यहाँ पर फिर से दोनों को अच्छे से अटैच कर देते हैं ब्लैक में भी ब्लैक को ब्लैक से रेड को रेड से ठीक है तो यहाँ मैंने अटैच कर दिया है आप भी इस तरीके से अटैच करें हो सके तो आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए अच्छे से प्रॉपर अटैचमेंट के लिए मैं नहीं लगा रही हूँ लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं टेप ताकि आपका वायर निकले ना ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये रहा बैटरी कनेक्टर ठीक है इसमें भी सेम वायर्स दिए रहते रेड और ब्लैक तो हमें अच्छे से पता चल गया है अब कि सेम कलर वायर्स को अटैच करना रहता है इसमें हम बैटरीज डाल देते हैं ठीक है अब यहाँ बैटरी तो है अब यहाँ पे क्या करना है कनेक्शन करना है हमें तो क्योंकि हमें स्विच के साथ हम कर रहे हैं इसे तो यहाँ पर ब्लैक को ब्लैक के साथ आप जॉइन कर दूँ ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दूँगी तो ये कनेक्ट कर देंगे इसको वैसे ही बैटरी कनेक्टर के साथ ब्लैक वायर का कनेक्शन कर देते हैं ओके okay, तो ये कनेक्ट हो गया ऑलमोस्ट अब बारी है हमारी जो रेड वायर है अब यहाँ पे दोनों के जो रेड वायर्स है ये ओपन है ठीक है बैटरी कनेक्टर का भी और डीसी मोटर का भी तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक सेकेंड इसको अब आप अच्छे से देख सकते हैं ओके okay, तो ये रहा स्विच ऑन ऑफ करने वाला स्विच तो इसको क्या करेंगे अभी हम ये रहा डीसी मोटर ये रहा बैटरी अब यहाँ पे जो रेड कलर है इसका वायर जो है रेड कलर का देखिए यहाँ पे पीछे भी कनेक्टर्स दिए रहते हैं इस तरीके से स्विच के तो आप चाहे तो क्लिप से भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे पास रेड वाला अवेलेबल नहीं था सेम तो मैं ब्लैक से करा लूँगी इसको क्योंकि यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कलर से तो ठीक है अभी मैं इसको चेक करूँगी इसे ये वाला यहाँ पर हम रेड कलर को डाल देंगे यहाँ पे पिन में क्लिप में यहाँ पे हम दोनों के इसे अच्छे से डाल देंगे वायर कनेक्शन करना इम्पॉटेंट है क्योंकि हम स्विच से चला रहे हैं अपना फ़ैन तो यहाँ पे कनेक्शन करना ज़रूरी है स्विच के साथ अभी डीसी मोटर में क्या करेंगे हम ऐसा मिनी फैन ले लीजिए और इसको यहाँ डीसी मोटर पे फिट कर दीजिए अच्छे से ओके ये कनेक्ट हो गया ठीक है तो अब आप जब ऑन करेंगे इसे तब ये जो हमारा फैन है ये मूव होगा और जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे ही हमारा फैन स्टॉप हो जाएगा वर्क करना इसका कनेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए अब फैन ऑन हो गया है जब आप स्विच ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो जाएगा और जब आप स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे मिनी फ़ैन बना सकते हैं ठीक है तो ये हमारा बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट था बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट था इस तरीके से आप स्विच के थ्रू अपना फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं ठीक है ठेके? और ये बहुत ही बेसिक रहा एक्सपेरिमेंट सो so... तो so फ्रेंड्स आपको ये मिनी फैन एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस डालती रहती हूँ नए नए एक्सपेरिमेंट्स डालती रहती हूँ और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा चाहिए